नारायण। 29 दिनों से लगातार धरना स्थल पर आंदोलनरत स्वास्थ्य कर्मचारी जब अपनी मांगों से पीछे हटते नजर नहीं आए, तब सरकार ने उन पर एस्मा लगा दिया। एस्मा लगने के बाद उनके हौसले और बुलंद नजर आए। इन कर्मचारियों का कहना है कि अब जब सरकार इन्हें दबाने की कोशिश कर रही है, तब वो और बड़े रूप में अपने आंदोलन को अंजाम देंगे। स्वास्थ्य संयोजक कर्मचारियों की हड़ताल का आज 29वां दिन है। सरकार ने इन पर एस्मा लगा दिया है, लेकिन उसके बावजूद इनके प्रदर्शन में किसी तरह की कोई कमी यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। मैं आपसे जानना चाहूँगा मैडम कि आप लोगों की हड़ताल का आज 29वां दिन है, सरकार ने एस्मा भी लगा दिया है, क्या आगे अगर सरकार किसी तरह का दबाव आप लोगों के ऊपर बनाती है तो अपनी हड़तालें वापस ले सकते हैं आप? ये तो आर पार की लड़ाई है, और जब हम 29 दिन बैठ चुके हैं तो हमारी ताकत सरकार को दिख चुकी होगी, और हम जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम यहां से हटेंगे नहीं। इस वक्त आप जानते हैं कि प्रदेश की स्थिति बहुत ही बदतर है, डेंगू फैला हुआ है रायपुर और भिलाई जैसे क्षेत्र में, और आप लोगों की हड़ताल यहां पर जारी है, उसके बाद सरकार की तरफ से किसी तरह का आपके पास कुछ बातचीत करने के संबंध में कुछ आया है ऐसा? आज तक तो 1 तारीख से लेकर आज 29 डेज हो गए, हमारे पास शासन की कोई भी नहीं आए बात करने के लिए कि आपकी हड़ताल वापस लो, हम मांग पूरी करते हैं करके, और जब तक शासन इस मंच पर आकर ऐलान नहीं करेगी तो हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे, और ये आर पार की लड़ाई है। हम बता दें शासन को, शासन इस बार RHO ने ठान लिया है, चाहे आप जो भी अपनी हड़कन ये कर लें, एस्मा लगा लें, जो भी लगा लें, हम इस जगह से नहीं हटेंगे, शासन जो भी समझे। कितनी सूत्रीय मांगों के साथ आप लोग यहाँ पे हड़ताल पे? सर हमारी 5 सूत्री मांग है। सबसे प्रमुख मांग है वेतन विसंगति का 2800 ग्रेड पे सन 2006 से, दूसरा है हमारा टेक्नीशियन घोषित करने का, तीसरा पदोन्नति का, चौथा महिला सुरक्षा का, और पांचवा जो है हमारा 2015 पे हमने हड़ताल किया था उसकी हड़ताल अवधि का पेमेंट रोक दिया गया था। चूँकि सरकार से इस बारे में हमने 2015 में भी आंदोलन किया था, 17 जुलाई को भी आंदोलन किया था, हमने कई बार सरकार को आगाह किया। आज जो डेंगू फैला हुआ है मैं उसका जिम्मेदार सरकार को ही मानता हूँ, क्योंकि हमारी आंदोलन जो 1 अगस्त से प्रारंभ है, सरकार चाहती तो हमारी आंदोलन को वापस करके फिर से स्वास्थ्य व्यवस्था सुधार सकती थी, पर अभी तक उसमें कोई अमल नहीं हुआ है। और चूंकि 27 तारीख से एस्मा भी लगा दिया गया है, हम आर पार की लड़ाई के लिए तैयार हैं, अगर जेल में आंदोलन होगा तो हम जेल में भी आंदोलन करेंगे, लेकिन हमारी मांगे तब तक जारी रहेगी जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती। प्रदेश के लगभग कितने कर्मचारी इस हड़ताल में आपका साथ दे रहे हैं? पूरे प्रदेश के 10,500 कर्मचारी इन्वॉल्व हैं इसमें, और पूरे प्रदेश में 5200 उप स्वास्थ्य केंद्र बंद है सर, जिसमें पूरे 20,000 गांव हैं जो प्रभावित हो रहे हैं, और पूरे 27 जिले और 140 विकास खंड पे इसका प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि हमारे जो कर्मचारी हैं वो अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों पे कार्य करते हैं, और ग्रामीण क्षेत्रों पे पूरी व्यवस्थाएं प्रभावित हो रही है सर। जी सर, मैं यही बोलना चाहूँगा कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम यहाँ डटे रहेंगे। एस्मा लगा है, लेकिन एस्मा लगने के साथ जो कर्मचारी बैठे थे घर में वो भी आज इस हड़ताल पर पहुँच चुके हैं सब। तो निश्चित रूप से सरकार ने इन पर एस्मा लगा दिया है, एक कदम अपना बढ़ा दिया है ये दिखाते हुए सरकार ने कि उनकी ताकतें कितनी हैं, और अगर वो चाहें तो इन पर दबाव और भी बढ़ा सकती है आने वाले दिनों में। लेकिन जहां तक इन कर्मचारियों की बात है तो ये किसी भी सूरत में अपनी हड़ताल वापस लेने के मूड में नहीं दिखते हैं। खबर जी न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन राकेश के साथ अमित शर्मा, रायपुर। नारायण नारायण।